अभी यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये गले तक आ रहा है। और मैं जहां हूं, पहले शिनाख्त कीजिए उस जगह की। ये स्वामी दिल्ली में रिंग रोड के पास में स्वामीनारायण मंदिर के पास में शिव नारायण मंदिर है, ये उसका पूरा ये इलाका है। पीछे यहां पर बेला रोड जाती है और यहां पर ये फुट ओवर ब्रिज हमको दिखाई पड़ रहा है। यहां पर जो पानी है वो पानी अभी भी गले तक बना हुआ है, जो कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे हैं। सुनील लेबर इधर आइएगा, चूंकि हमारे साथ में एक शख्स हैं और जो अभी गले तक पानी में है। हालांकि मैंने इनसे ये कहा कि यहाँ पर पानी में ना रहें, लेकिन ये इनका कहना है कि यहाँ पर ये मजदूरी करते हैं और इस पानी में क्या बताया, तो इस पानी में मज़ा आ रहा है। आगे आइए भाई थोड़ा सा। कहाँ काम करते हैं आप, क्या नाम है आपका? हमारा भोला भाई नाम है जी। भोला भाई, बहुत देर से पानी में खड़े हैं, आपको कोई तकलीफ ना हो इसीलिए। अरे मुझे तो खैर कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, क्या आप यहाँ पर करते थे और क्या आपका यहाँ पर जीविका का साधन था, कैसे काम चलाते थे? देखो, मैं यहीं पे काम करता है और यहीं पे अपना सब ज़्यादा जुगाड़ चल रहा है। मजदूरी करते थे? मजदूरी कर रहे हैं। अभी तो काम का सब बंद होगा? अभी तो सब बंद है। जहाँ आप खड़े हैं, इससे भी ज़्यादा पानी था कल तक? कल तक गर्दन तक था, सर के ऊपर तक था। सर के ऊपर तक था। परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं आपके? सब अपने घर में हैं। अपने घर में? हाँ। तो ये देखिए, मैं आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये समझिए, इस कम होते हुए पानी में भी पानी कितना ज्यादा है। गले तक यहाँ पर पानी है और ये पानी बता रहा है कि जाते जाते ये समस्या जाएगी। ये एक रात में जाने वाली नहीं है। हम चलते हैं वरुण जैन के पास, हमारे संवाददाता वरुण जैन, जो लाल किले के पास से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वरुण, देखिए मैं जहां पर हूं, यहां पर गले तक पानी है, सिविल लाइंस का इलाका है। मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं, और आप लाल किले के इलाके में, वही बेहद अहम इलाका है। अभी के ताजा हालात बताइए वहां के। देखिए अभिषेक, हालात तो बेहद खराब है। आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से 7 से 8 फीट का पानी अभी भी लबालब भरा हुआ है। हालांकि यमुना का जल स्तर जरूर कुछ कम हुआ है, तो आप देखिए इसलिए पानी में आपको यहाँ पे ठहराव नजर आएगा। लेकिन समस्या ये है कि अब ये बाढ़ का पानी नहीं रह गया है, नाले का पानी यहाँ पर मिलने के बाद ये बिल्कुल खुद ही नाले का पानी बन चुका है। इसमें से बदबू उठनी शुरू हो गई है। और आप सोचिए, जब 4-5 दिन बाद इधर हालात और ज़्यादा खराब होंगे, पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो बीमारियाँ फैलनी शुरू होगी। लेकिन इसी बीच अभिषेक, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा दें, बड़े बड़े पंप को लाया गया है। क्यों? क्योंकि लाल किले के पीछे बहुत ज़्यादा पानी है और अब इस पानी को अगर निकालना है तो पंप का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि अभी ये पंप शुरू नहीं हुए हैं, बस अभी कुछ ही पलों पहले इन पंप को यहाँ पर लाया गया है। लेकिन अब सरकार की कोशिश यही है कि जो लाल किले के पीछे पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये एक अंडर पास है, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो अपने आप नहीं निकलेगा, ये बात प्रशासन जानता है। और इसीलिए अब इन बड़े बड़े पंप को देखिए, एक नहीं दो पंप, दूसरा पंप सामने जो ये वैन है उसके अंदर है, यानी कि इन दो लाल किले के पीछे पानी निकालना शुरू किया जाएगा। हालांकि स्ट्रेटेजी क्या है वो अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि जब मैंने इन लोगों से बात करी कि जब ये पानी का पानी निकाला जाएगा, तो इन्होंने बताया यहाँ साइड में ही निकालने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पानी निकलेगा तो ये पानी वापस, आप देखिए अगर लेवल जो है, जो लाल किले के पीछे जो ग्राउंड है, अगर इस पर पानी निकालेंगे, इसका लेवल और जो लाल किले का जो पानी है दोनों बराबर है, तो अगर पानी इसी में निकाल दिया जाएगा तो वो वापस लाल किले के पीछे आ जाएगा। यानी कि जब एक्सपर्ट आएंगे तब पता चलेगा आगे की क्या स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन फिलहाल अब पहला कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है और यहां पर ये दो बड़े बड़े पंप लाए गए हैं, जिससे पानी को लाल किले के पीछे से निकाला जाएगा। भैया, ये पंप पानी निकालने के लिए कब, कितनी देर में चालू हो जाएंगे? लगभग 30 मिनट लगेगी, लगभग आधा घंटा लगेगा। कितने दो पंप है? दो पंप है, वो ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, उनमें भी पंप है। कितनी कितनी पावर के ये पंप है, मतलब कितना पानी यहाँ पर निकाल पाएंगे ये, कितनी स्पीड से? लगभग लगभग ये मान लो अभी शाम तक है ना, कुछ देखने लगेगा कि मतलब 75% खाली हो जाएगा, 75%। अच्छा, आपका मानना है 75% ये लाल किले के पीछे का, ये जो 10 फीट का पानी जो मैं देख रहा हूँ, निकालेंगे कहाँ पानी को? आउटलेट इधर है। अच्छा, इधर, यानी कि इसको बड़े बड़े पाइप से कनेक्ट कर उस तरफ पीछे की तरफ पानी निकालेंगे? निकल जाएगा, आउटलेट हमारे पास। आपको नहीं लगता कि वहाँ से पानी दोबारा आ सकता है, या आप लोगों ने पूरा मुआयना कर लिया है कि हाँ पानी निकाला जा सकता है? कोशिश में लगे पड़े हैं, जब पानी जब तो निकलेगा, जब तक तो उसका यमुना का लेवल कम डाउन नहीं होगा। बट ये है कि मतलब कोशिश में लगे हैं जितना पानी निकल सके, ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। और जो आने वाली मतलब
चल रही है, रोड चल रही है, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी देख रहे हैं जितने कोशिश में लगे पड़ेगा कि पानी कम हो, जल्दी रोड चालू हो। क्या यमुना से पानी इधर रिसाव बंद हो गया है, आपको लग रहा है ऐसा? लेवल डाउन हो गया। देखिए अभिषेक, ये एक बड़ी राहत की बात है, दो पंप आ चुके हैं, दो और पंप अभी यहाँ पर राजघाट पर, माफ कीजिएगा, लाल किले के पीछे लेकर आया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 फीट का पानी है। और इनका ये दावा है कि अगर जब वो दो ट्रैक्टर में दो पंप और आ जाएंगे, 4 पंप से पूरी पावर के साथ लाल किले के पीछे ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वरुण, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं वरुण। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।